दोस्तों फाइनली जिन्होंने यानी कि आईटीआई और नॉन आईटीआई के लिए बीएलडब्ल्यू का फॉर्म जो जो भी भरे थे उनका मेरिट लिस्ट आ गया है। देखिए बहुत लोगों का मन में कन्फ्यूजन है कि ये 2022 वाला हम लोग वाला है या नहीं है, तो देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डेट 18/8/2022 को ये यानी कि रिलीज किया गया है। और यहाँ पर एक बात और नोटिस करने वाला है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा गया है 2021-22, तो यहाँ पे 2021-22 लिखा गया यानी कि हम ही लोग का ये वाला है, ठीक है। यहाँ पे कोई नहीं समझ लीजिएगा कि 2020 और 21 का है, हालांकि इसका बैच जो है यानी कि 45वां बैच जो है ना, यानी कि इसका बैच जो है वो थोड़ा सा पीछे चल रहा है, 2020 से 21 का बैच चल रहा है यानी कि, लेकिन हम लोग जो है कर रहे हैं 2021-22 में, तो हम लोग का 2021-22 गिनाएगा। इन लोगों का नोटिफिकेशन यानी कि निकालने का जो 45वां बैच जो होता है वो इन लोगों की यानी कि हिसाब से यहाँ पे 2020-21 यानी कि हो रहा है, ठीक। और जो आप अप्रेंटिस करा रहे हैं वो 2021-22 करा रहे हैं, ठीक है, ये हो गया। तो इसमें देखिए बहुत लोगों का यानी कि हुआ है और बहुत लोगों का नहीं हुआ है, और बहुत लोग पूछ रहे हैं कि क्या इसका यानी कि सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा। तो देखिए इसका सेकंड मेरिट लिस्ट भी आता है, क्योंकि बहुत लोग यानी कि इसमें ज्वाइन नहीं करते हैं तो उसमें फिर से मेरिट लिस्ट निकल आता है। और हाँ, इसका हो सकता है, संभव हो सकता है इसका थर्ड मेरिट लिस्ट भी आएगा। तो आप लोग जो है बने रहिएगा चैनल पर, चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और एक टेलीग्राम चैनल है मेरा सुनील के वीडियोज़, ऐसे लिखिएगा आप लोग, सुनील के वीडियोस लिखिएगा, सुनील उसके बाद क्या यानी उसके बाद वीडियोस जाकर के सर्च मारिएगा, मेरा फोटो मिलेगा, चैनल का फोटो मिलेगा आपको, और वहाँ पे सुनील के वीडियोस लिखा रहेगा, आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि जो भी यानी कि नोटिफिकेशन उसको लगता है तुरंत मैं यानी कि वहीं पर अपडेट कर देता हूँ। और अगर आपको कुछ अगर डिस्कशन करना है तो आप सुनील के वीडियोज ग्रुप इतना लिखिए टेलीग्राम में जा करके और उसमें ज्वाइन हो जाइए। और नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, इसका जो है पीडीएफ का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा यानी कि टेलीग्राम चैनल का, और टेलीग्राम चैनल में जाकर के आप लोग अच्छा से उसको डाउनलोड कर लीजिए और अपना नाम चेक करके हमको बताइए कि किसका किसका हुआ है। बाकी इस वीडियो में आपको मैं और बहुत सारा जानकारी मैं बताने वाला हूँ, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा। तो देखिए सबसे पहले 45वां बैच जो कि हम लोग भरे थे इसको 10th, इसमें 10th और यानी और यहाँ पे आईटीआई वाले दोनों भरे थे, ठीक। तो इसमें देखिए मेरिट जो बना है वो 10th लेवल से ही बना है, ठीक है। यहाँ पर कोई नहीं सोचेगा कि यहाँ पर 10th और आईटीआई मिला करके एवरेज निकाल करके बनाया है, नहीं, यहाँ पर जो है वो ओनली 10th में, जैसे मान के चलिए मेरा यहाँ 88% है, तो 88% है तो मेरा नहीं हुआ है, क्योंकि मेरा ओबीसी में जो है यहाँ पर 93% गया है कटअप, हालांकि बहुत गया, मैं आपको कटअप भी आगे दिखाने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि हमने कि 88, 89, 90 वालों का कुछ यहाँ पर नहीं हुआ है, जिनका 93 था, बाकी और मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। तो इतना जान लीजिए कि यानी कि बीएलडब्ल्यू का ऐसा यानी कि बोल सकते हैं यानी कि यहाँ पे वर्कशॉप है जो सिर्फ यहाँ पे 10th के लेवल पर ही, 10th में जितना लोग परसेंटेज लाता है उसी के आधार पर यहाँ पे वो मेरिट लिस्ट निकालता है, ठीक, ये हो गया। तो देखिए जो हम लोग यानी कि 26/3/2022 को भरे थे, तीसरा महीना मार्च में, और हम लोग का भराने का डेट यानी कि 28 अप्रैल तक हम लोग भरे थे, ठीक, उतना देर तक भरे थे। उसके बाद देखिए हम लोग का अभी जाकर के मेरिट लिस्ट निकला है यानी कि कितना 18/8 को, यानी कि सोच लीजिए 4 महीना के बाद यानी कि निकला हम लोगों का मेरिट लिस्ट यहाँ पर। तो देखिए हालांकि बहुत इंतज़ार करवाया है रायपुर वाला, तो 3 महीना में पूरा एकदम निकाल के पूरा एकदम ज्वाइनिंग भी करवा दिया है हम लोगों का। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है, जिसका जिसका भी हुआ है उसको बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस, और इसका नहीं हुआ है अगर 1-2% काम है तो आप लोग वेट कीजिए, इसका सेकंड मेरिट लिस्ट भी आएगा और हो सकता है इसका थर्ड मेरिट लिस्ट भी आएगा, ठीक, क्योंकि बहुत लोग ज्वाइन नहीं करते। तो सबसे पहले यहाँ पे एक नंबर में हम लोग देख लेते हैं नॉन आईटीआई के लिए, जो कि एक सीरियल नंबर से 74 नंबर तक, 5 तारीख को जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने, जो कि आपको यहाँ पे 10 बजे पहुँचाना है। और कहाँ जाना है तो देखिए यहाँ पर दिया गया है, ए यहाँ पर लिखा गया है, लिखा गया अनुसार प्राचार्य प्राविधिक प्रशिक्षण केंद्र बरेकानी की यहाँ पे बनारस रेल कारखाना आपको वाराणसी में प्रातः 10 बजे उपस्थित होना है। तो नॉन आईटीआई वाला को जाना है यहाँ पे 5 तारीख 9 महीना को, 1 से लेकर के 74 जिसका भी है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आईटीआई वाला आगे देखेंगे दूसरा नंबर में आईटीआई फीटर ट्रेड जिसका भी है और जिसका सीरियल नंबर 1 से लेकर 50 तक है, उसको 6 तारीख को जाना है, कि 6 सितंबर को जाना है। और यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर में जिसका आईटीआई फीटर ट्रेड है उसको यहाँ पे 51 यानी कि सीरियल नंबर से लेकर के 107 तक आपको जाना है यहाँ पे 7 सितंबर को। और यहाँ पे इसका आईटीआई पेंटर से जनरल एंड कारपेंटर जो भी है, आईटीआई पेंटर और कारपेंटर को यहाँ पे 1 से लेकर के 3 एवं 1 से लेकर के 7 यानी कि इतना ही पोस्ट निकला था, तो उसको भी यहाँ पे 7 तारीख को ही जाना है। और आगे आप लोग देखिएगा यहाँ पे 5 नंबर में आईटीआई वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक को यहाँ पे सीरियल नंबर 1 से लेकर के आपको यहाँ पे 8/9/2022 तक जाना है, 1 से लेकर के 45 तक। और यहाँ पे आईटीआई मशीनिस्ट जो भरे थे उसको 1 से लेकर के 67 सीरियल नंबर को आपको जाना है यहाँ पे 9 सितंबर को।
और जो जो भी इलेक्ट्रीशियन से भरे थे उनको एक सीरियल नंबर से लेकर के 71 के बीच में जिनका भी है 71 तक, उनको जाना 12 सितंबर को। और दोस्तों आगे आप लोग देखिए यहाँ पे एनेक्स्चर वन अनुलग्न जो ए लिखा है ना, यहाँ पे कट ऑफ मेरिट लिस्ट जो है एनेक्स्चर वन में दिया गया है, एवं जो जो भी यानी कि कुछ गलती किए थे फॉर्म भरने में, तो उन आईटीआई वाले और नॉन आईटीआई वाले उनका जो है लिस्ट दिया गया है वो एनेक्स्चर टू में दिया गया है, यानी कि बी में दिया गया है। सबसे पहले कट ऑफ मार्क्स जो है एनेक्स्चर वन में दिया गया है, एनेक्स्चर टू में जो जिनका जिनका भी रिजेक्ट हो गए थे उनका दिया गया है, और मेरिट लिस्ट यानी कि जिसका जिसका भी है उसको एनेक्स्चर सी में दिया गया है, ठीक, जो कि यहाँ पे कुल यानी कि 19 पेज का है। और यहाँ पे देखिए आगे एनेक्स्चर डी एंड ई में आपको दिव्यांग के लिए जो भी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है उनका यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट का प्रारूप किस तरह से होगा वो आपको यहाँ पे दिया गया है। और बाकी यहाँ पे कुछ कुछ यानी कि ये सब कुछ लिखा है आप लोग पढ़ लीजिएगा, जिनका जिनका हुआ है वो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि अच्छा से पढ़ लें, और हाँ मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको जो है इसका आगे आपको बता दूंगा, ठीक है, यानी कि नेक्स्ट वीडियो आपको बता दूंगा, क्योंकि यार टाइम नहीं मिल पाता है ना, ड्यूटी करके भी तुरंत आए हैं और आप लोगों के लिए यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। ये सब यहाँ पे कुछ कुछ जानकारियाँ लिखा गया, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, और हाँ अगर किसी को दिक्कत होगा तो मैं इसको अच्छा से पढ़ करके आपको मैं समझा दूंगा अच्छा, ठीक है। यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सारा कुछ लिखा गया है, इधर देख सकते हैं ये 4वां नंबर 5वां नंबर में ये सब में, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला मैं यानी कि इसका नेक्स्ट वीडियो में हो सकता बता दूंगा, क्योंकि बहुत लंबा लिखा गया यार, तो इसका यानी कि नेक्स्ट वीडियो में ही बताना अच्छा रहेगा कि क्या क्या ले जाना है, कैसे कैसे सारा कुछ ले जाना है, स्टाइपेंड वगैरह सारा कुछ यहाँ पे देखिए, और स्टाइपेंड के बारे में इस जगह पे यहाँ पे दिया गया है जो कि लिखा गया है नौकरी देने का कोई प्राविधान इसमें नहीं, यानी कि नौकरी नहीं मिलेगा, प्रशिक्षण हेतु चयनित आईटीआई और नॉन आईटीआई के लिए अभ्यर्थियों को केवल स्टाइपेंड दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा वो आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे उसके बाद ही वहाँ पे पता चलेगा, कॉन्ट्रैक्ट में ही आपको पता चलेगा, अभी नहीं पता चलेगा। तो ये सब कुछ जानकारियाँ हैं, बाकी मैं आपको यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स के बारे में कुछ जानकारी दे देता हूँ जो कि यहाँ पे दिया गया है। देखिए एनेक्स्चर वन ये है, यहाँ पे आपको पता लगाना है ये वाला, देखिए ये वाला जो लिखा है ना एनेक्स्चर वन, इसमें आपको कट ऑफ मार्क्स दिया कि कितना कितना कौन सा ट्रेड का यहाँ पे कट ऑफ गया। तो सबसे पहले हम लोग आईटीआई वालों के देख लेते हैं कि आईटीआई वालों का देखिए यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स कितना गया। तो सबसे पहले फीटर ट्रेड में देखते हैं, यहाँ पे जनरल का 91 गया, ईडब्ल्यूएस का 87 गया, ओबीसी का 89 गया, एससी का 89, एसटी का 84, ठीक है, उसका पीडब्ल्यूडी वाले अपने आप ही देख लेंगे। उसको सेकंड नंबर में कारपेंटर का देखिए यहाँ पे जनरल में 84 गया है, ईडब्ल्यूएस वाले नहीं भरे थे, यहाँ पे ओबीसी का 79 गया है, बाकी इधर खाली है। उसको यहाँ पे पेंटर का देख लेते हैं, पेंटर का जनरल में यहाँ पे 86 गया है, ईडब्ल्यूएस वाले यहाँ पे देखिए आप लोग 69 गया है, बहुत कम गया है ईडब्ल्यूएस में। उसके बाद यहाँ पे ओबीसी में 81 गया है, 78 गया है, फिर यहाँ पे एससी में एसटी में आपको 76 गया है, ठीक। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मशीनिस्ट का, तो मशीनिस्ट का जनरल में यहाँ पे 87 गया है, ईडब्ल्यूएस में 84 गया है, ओबीसी में 85 गया है, एससी में 85 और एसटी में 81 गया है, और यहाँ पे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे आगे बताया गया है। और आप लोग देखिएगा इस जगह पे आगे यहाँ पे वेल्डर का गैस एंड इलेक्ट्रिक का, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जनरल में यहाँ पे 83 गया है, उसका ईडब्ल्यूएस वाले 76, ओबीसी वाले 83, एससी वाले 81, एसटी वाले 78। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन का देखेंगे जो कि मैं भरा था, तो जनरल का यहाँ पे गया है 95, उसका ईडब्ल्यूएस वाले 91 और यहाँ पे ओबीसी जो कि मेरा कटअप यहाँ पे 5 नंबर आने की ज़्यादा गया है, मेरा कटअप 88 है और यहाँ पे गया है 93, तो मेरा नहीं हुआ है, देखते हैं अगर सेकंड मेरिट लिस्ट का आएगा तो होने का चांस रहेगा तो आपको मैं बता दूंगा जरूर। उसके यहाँ पे एससी का 91 गया, एसटी का यहाँ पे 89 गया, बाकी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट वाले इधर है, और यहाँ पे नॉन आईटीआई वाले यानी कि जो ओनली यहाँ पे 10th से भरे थे ना तो उसको यहाँ पे देखिए कितना कटअप गया है। तो देखिए यहाँ पे जनरल में आपको 100 दिख रहा होगा, 100 गया जनरल, सोच लीजिए 100 यानी कि जो परसेंटेज ला रहे हैं वो भी आईटीआई में यानी कि अप्रेंटिस करना चाह रहे हैं, तो कुछ ना कुछ इसका यानी कि बेनिफिट है, इसीलिए यानी कि अप्रेंटिस करना चाह रहे हैं लोग। ईडब्ल्यूएस वाले 95 और ओबीसी वाले 97, बापरे, और यहाँ पे एससी वाले 96, यहाँ पे एसटी वाले 95, बाकी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के यहाँ पे दिया गया ओएच ग्रुप में और यहाँ पे ईएसएम में, ठीक, ये हो गया। उसके बाद ये हो गया एनेक्स्चर बी, आपको एनेक्स्चर ए में मैंने कटअप दिखा दिया, एनेक्स्चर बी में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा रिजेक्टेड लिस्ट। तो देखिए आप लोग अपना चेक कर लीजिएगा कि किसका किसका रिजेक्ट हुआ है, कुछ गलती होने के कारण देखिए यहाँ पे आप रीज़न भी बता दिया गया, फॉल्स एंट्री ऑफ 10th मार्क्स, इस तरह से सभी का बहुत लोगों कहाँ पे फॉल्स एंट्री ऑफ 10th मार्क्स यानी कि कुछ कुछ गलती हुआ होगा ना तो आपको यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया होगा, तो आप लोग देख लीजिएगा अपना अपना मिला लीजिएगा, और जिसका जिसका रिजेक्ट हुआ है क्यों रिजेक्ट हुआ है, क्या आपने यानी कि कुछ गलती किया था आपको कमेंट करके बताना है जिसका जिसका रिजेक्ट हुआ, ठीक। आगे से आप लोग ध्यान रखिएगा, अच्छा से भरिएगा फॉर्म। ये हो गया रिजेक्ट, तो इतना से लेकर के 50 नंबर तक आपको रिजेक्टेड लिस्ट ओनली दिखेगा,
उसके बाद आपको यहाँ पे ये नॉन आईटीआई का है, यानी कि कितना नंबर पेज हो गया, ये 48 नंबर पेज में यहाँ पे नॉन आईटीआई वालों के लिए दिया गया है, जो कि रिजेक्टेड लिस्ट है। उसके यहाँ पे आगे जाइएगा, ये सब कुछ हिंदी में लिखा गया है जानकारियाँ, जो आपको यानी कि पढ़ लीजिएगा, जिसका जिसका हुआ है, क्यों रिजेक्ट हुआ है, मैं आपको सारा यानी कि हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। और यहाँ पे देखिए ये सब कुछ जानकारियाँ दिया गया है, जिनके कारण उनका यानी कि रिजेक्ट हुआ, क्यों रिजेक्ट हुआ है, वो आपको यहाँ पे बताया गया सारा कुछ लिख करके। उसके बाद देखिए मेन लिस्ट, जिसका इसका हो गया है, यहाँ पे सिलेक्शन जिसका इसका भी हुआ है, तो वो मेन लिस्ट यहाँ पे दिया गया है एनेक्सर सी में, ये हो गया, ये एनेक्सर सी होगा। ये देखिए यहाँ पे आपको यानी कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट दिया जाएगा, जो कि यहाँ पे टोटल वैकेंसी 71 था इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में, जो कि विभिन्न कैटेगरी में था, आपको देख सकते हैं यहाँ पे जनरल में 29 था, ओबीसी में 19, एससी में 11, एसटी में इतना इतना दिया गया है सारा कुछ। तो देखिए आप लोग मिलाइए, जिसका जिसका हुआ है, आप लोग प्लीज़ अपना कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर भी आप लोग बता दीजिएगा कि हाँ मेरा इतना में हुआ है सिलेक्शन, ताकि बहुत लोगों का हेल्प हो जाएगा, ठीक है। आप लोग कोशिश कीजिएगा कमेंट में ही बताइएगा, अपना ट्रेड बता दीजिएगा, अपना कैटेगरी और अपना ओवरऑल परसेंटेज, ठीक, ये हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ से लेकर के आप लोग देखेंगे पुराना ये वाला, तो इलेक्ट्रीशियन का मिलेगा और इसी तरह से फिटर का भी मिलेगा। आपको क्या करना है, इस लिस्ट को डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे वेल्डर है, टोटल वैकेंसी 45 था, ये सब सारा कुछ हुआ है, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पे आगे प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आ गया, आपको यहाँ पे मशीनिस्ट का मिल जाएगा, मशीनिस्ट का हो गया। आप लोग इसी तरह से यानी कि आगे बढ़ाते रहिएगा, आगे बढ़ाते जाते हैं, मशीनिस्ट का देखने के बाद आपको यहाँ पे पेंटर का दिख जाएगा, आगे बढ़ाते जाएंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे कारपेंटर का दिख जाएगा इस जगह पे, और आगे बढ़ाते जाएंगे तो लास्ट में यहाँ पे फिटर का दिया गया, आप लोग यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, ठीक है। फिटर में टोटल यहाँ पे 107 कैंडिडेट का हुआ है। इस तरह से आप लोग खिसकाते रहिएगा। तो उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे कुछ और यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है, देखिए आप लोग जाइएगा साइबर कैफे में, यहाँ पे फिजिकल यानी कि क्या क्या फिटनेस जो है, यहाँ पे सारा कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिया गया कि आपको किस तरह से सारा कुछ बनवाना है, तो आप लोग इसको यानी कि प्रिंट करवा लीजिएगा साइबर कैफे में जा करके। जैसे ये हो गया 65 पेज नंबर, ठीक है, तो 65 पेज नंबर को प्रिंट करवा लीजिएगा, ठीक, और यहाँ पे लेकर के जाइएगा। और बाकी यहाँ पे दिया गया है सारा कुछ स्टैंडर्ड फिजिकल फिटनेस ऑफ ट्रेनिंग, ये वाला दिया गया है। तो मैं आपको इसका नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा पूरा डिटेल से कि किसको कौन सा फिजिकल यानी कि यहाँ पे फिटनेस सर्टिफिकेट लेकर के जाना है, ठीक है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा यार, मैं कितना नंबर बोलूँ, ठीक है। ये सब यानी कि आपको जानकारी रखना बहुत ज़रूरी होगा इसमें, क्योंकि सभी लोग जानता है कि मेरिट लिस्ट आ गया, सारा कुछ आने की हो जाता है, लेकिन लोगों को परेशानी होता है कैसे हम ओबीसी सर्टिफिकेट बनाएं, कैसे एससी एसटी सर्टिफिकेट बनाएं, कैसे अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनाएं इसी में, ठीक है। तो मैं आपको एकदम डिटेल से एक बार बता दूंगा कि कैसे सारा कुछ आपको बनाना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस फॉर एक्ट अप्रेंटिस इन रेलवे, ठीक है, यहाँ पे सारा कुछ विभिन्न करके दिया गया है। तो आप लोग यहाँ पे अच्छा से इसको देखिएगा, वीडियो को समझिए और चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करके रख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं इसका नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, ठीक है। अब उसमें आपको मैं बता दूंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर के आपको जाना है, क्या क्या सावधानियां यानी कि रखना है, कहाँ जाना है, सारा कुछ मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं इसका नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।